नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पांच की आज इस खास बुलेटिन में। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में आज बात होगी एमपी कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक की, जिसमें उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं, सिर्फ अब इसका ऐलान होना बाकी है। साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद मची कलह की। बात करेंगे एमपी चुनाव में बीजेपी के हाईटेक प्रचार की, जिसके लिए राजधानी भोपाल से सीएम शिवराज ने रथों को रवाना किया। चर्चा करेंगे एमपी की नेता नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी की, और बात होगी भोपाल में बेजुबान से हुई क्रूरता की। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की है बैठक में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर करीब तीन घंटे तक यह बैठक चली है। बता दें दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान का इंतजार हो रहा है। न्यूज 18 के पास कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी है। तो लगातार मंथनों का दौर कांग्रेस में जारी है। बता दें सबसे पहले नवरात्रि के दिन जारी की गई थी लिस्ट, उसके बाद लिस्ट जो है जारी की गई 53 नामों की लिस्ट छत्तीसगढ़ की जारी हुई। अब जो है आगे के जो नाम सात नाम बचे हैं छत्तीसगढ़ के, उस पर भी मंथन चल रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो शेष सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है, उस पर भी मंथन लगातार कांग्रेस कर रही है। अभी भी बैठकों का दौर जारी है, लगातार नामों पर मंथन हो रहा है कि आखिर किसे फिर से मैदान में उतारा जाए या फिर चेहरा बदल दिया जाए। इन सभी पहलुओं पर मंथन कांग्रेस कर रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितने नए चेहरे होते हैं। हालांकि जो लिस्ट पहले जारी की गई, कई ऐसे नाम भी सामने आए जो नए चेहरे थे वो सामने आए। अब देखने वाली बात होगी कि जो आने वाली लिस्ट है उसमें किस तरह का बदलाव होता है, क्या नए चेहरे कांग्रेस लेकर आती है, युवाओं को लेकर आती है, या फिर से वही उन्हीं पर दांव खेलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। और बैठकों का दौर लगातार जारी है कांग्रेस में। ये लिस्ट कब आएगी, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी किस तरह के बदलाव होंगे। और संभावित नाम भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि संभावित नाम है हमारे पास, वो लिस्ट है जिस पर मुहर लग सकती है, जिन नामों पर मुहर लग सकती है। सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अशरफ, लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी है और ऐसे कई सारे नाम हमारे पास है, संभावित नाम है जिन पर मुहर लगने की पूरी पूरी उम्मीद है। अशरफ, बिल्कुल ऋतु, न्यूज 18 ये संभावित लिस्ट दिखा भी रहा है और बता भी रहा है। और अभी तक कांग्रेस में जो है मंथन का दौर जारी है। अब से कुछ देर बाद फिर एक मीटिंग शुरू होगी, कांग्रेस मुख्यालय में होगी, और इसमें भी चर्चा की जाएगी कि जो जिन सीटों पर नाम, एक नाम को लेकर सहमति नहीं बनी है, तो उस पर प्रयास बनेगा कि वो पैनल खत्म करके किसी हर सीट पर एक एक उम्मीदवार का नाम तय कर दिया जाए। कुछ देर बाद आपका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ वहां मौजूद होंगे। राज्य के प्रभारी रणवीर सिंह सुरजेवाला रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह है, जितेंद्र भंवर सिंह जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक ये कोशिश फिर की जा रही है कि जो सीटें रह गई, जो सूत्र बता रहे हैं करीब एक दर्जन के आसपास सीटें रह गई हैं जिन पर आम सहमति नहीं बनी है, जिनमें पैनल बने हुए हैं। अब उस पैनल को खत्म करके एक हर सीट पर एक एक नाम तय करना है। तो हो अब जो मीटिंग हो तो हो सकता है, उम्मीद है कि वहां पर ये कंसेंसस या एक राय बनाने में कामयाब हो जाए और हर एक सीट पर एक व्यक्ति का, एक दावेदार का नाम तय कर ले। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देर रात को या कल दिन में कभी कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी कर देगी। आज भी सुबह से दोपहर तक कांग्रेस अध्यक्ष के घर में एक बैठक हुई है, वहां पर भी काफी हद तक कामयाबी रहे, क्योंकि कल तक जो बताया जा रहा था कि करीब 20 से 30 सीटें हैं जिस पर आम सहमति नहीं बन पा रही, पैनल बने थे, वो घटकर अब 10 रह गए। जो आज बैठक हुई है सुबह, उसमें ये कामयाबी कांग्रेस के नेताओं को मिली है कि वो जो सहमति बनी है कि
एक नाम पर, बाकी पैनल खत्म कर दिए। आप उम्मीद की करते हैं कि शाम को जब ये बैठक शुरू होगी उसमें फिर से पहली सूची जारी हुई, 96 नामों में से 69 नाम ऐसे थे जिन्हें फिर से मौका दिया गया, फिर से उन पर भरोसा जताया गया, फिर से मैदान में उतारा गया। क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि दावेदारी बहुत लोग ठोक रहे थे और उम्मीद थी उन लोगों को कि हाँ शायद अब बदल करके हमें मैदान में उतारा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बार कैसी उम्मीद लग रही है, अगर जो दावेदारी लंबे वक्त से ठोक रहे हैं और वही चेहरे फिर से सामने आ गए जो पिछले चुनाव में, तो कैसा समीकरण बनता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ बड़े गहनता से और बहुत बारीकी से जो बची हुई 86 सीटें हैं उस पर मंथन कर रहे हैं और लगातार वो जोर दे रहे हैं कि जिनको सर्वे में नाम है, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको टिकट दिया जाए। हालांकि उनके ऊपर दबाव भी है कि कुछ बड़े नेताओं का जो चाहते हैं कि हमारे समर्थक हैं, हमारे लोग हैं, तो उनको टिकट दिया जाए, भले ही वो पैनल सर्वे में दूसरे या तीसरे नाम पे हैं। लेकिन कमलनाथ बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, एक एक सीट पर देख रहे हैं और सिर्फ उनको मौका देने के पक्ष में हैं जो सर्वे में सबसे ऊपर हैं, एक नंबर हैं और जिनके के ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, तो ये एक उनका पैमाना है। और दूसरी बात यह है कि आज ये जो मंथन चल रहा है 86 सीटों पर, इसमें कई ऐसे बड़े विधायक हैं जिनके पत्ते कट सकते हैं, जो नॉन परफॉर्मेंस जिनकी रही है और जनता ने सर्वे में उनको कम नंबर दिए हैं, तो ये बात भी कमलनाथ यहाँ अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ, अपने प्रदेश के नेताओं के साथ रख रहे हैं और इसको साझा कर रहे हैं कि ऐसे जो विधायक हैं मौजूदा जिनके बारे में सर्वे में निगेटिव रिपोर्ट आई है या उनको नंबर कम मिल रहे हैं, तो उनको उनकी जगह किसी युवा और जीताऊ। अशरफ, जारी है, अभी भी आपने कहा कि एक और बैठक होने जा रही है, उस पर भी गहन मंथन होगा। आप लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं, जहां टिकट नहीं मिलने पर नाराज एजाज डेबर समर्थक सुभाष स्टेडियम पहुंच गए। महापौर एजाज डेबर संगठन से उत्तर और दक्षिण विधानसभा से टिकट की मांग थी। टिकट नहीं मिलने पर हजारों समर्थकों के संग रैली निकाली, हजारों की संख्या में समर्थक कांग्रेस भवन की और रवाना हो गए। आप और एजाज डेबर के समर्थक देखिए, हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए हैं और क्या है उनकी मांगे और क्यों इस तरह की रैली है वो निकाली जा रही है, हम उन्हीं से सीधा बात कर देंगे। आइए, बड़ी संख्या में लोग आए हैं एजाज डेबर के समर्थन में, क्या मांगे आप लोगों की? हमको सिर्फ एक ही मांगे, एजाज भाई को दिया जाए टिकट, जिसने शहर रायपुर शहर का कायाकल्प कर दिया, नक्शा बदल दिया पूरे चीजों का, हम कहीं रैंकिंग में नहीं आ जाए, उसने रैंकिंग में ला के दिया हमको, उसको उसकी मेहनत का फल दिया जाए, जनता के साथ न्याय किया जाए, उसको टिकट दी जाए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है। ये बताएं अभी कहाँ तक जाएंगे, काली मंदिर में भी आप लोग दुआ मांगे? मंदिर में हम दुआएं प्रार्थना करने जा रहे हैं उनसे, भगवान से प्रार्थना, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, उनकी टिकट उन्हीं के हाथ में है। देखिए, बड़ी संख्या में समर्थक हैं, वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे, बताएंगे कि आप लोग एजाज के समर्थन में आए? हाँ जी, हम लोग एजाज भैया के समर्थन पे आए क्योंकि वो एक जन नायक है वो, और हम चाहते हैं कि उनको ना तो टिकट मिले उनको, क्योंकि उन्होंने काफी जनता के लिए काम किया हुआ है उन्होंने। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या उत्तर से टिकट मिले? कि हमारे एजाज भैया को टिकट मिले, वो भी एकदम इज्जत के साथ मिले जी। अभी मंदिर में जाएंगे, दुआ भी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दुआ करेंगे उनके लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये अभी मंदिर जाएंगे और वहाँ मत्था टेकेंगे और उसके बाद ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उन्हें टिकट मिल जाए। और उत्तर से चूंकि अन्य विधानसभाओं की टिकट है वो दे दी गई है, अब उत्तर विधानसभा ही बचा है जिससे ये टिकट की मांग कर रहे हैं और उनके समर्थन में हजारों समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें कलह की तस्वीरें, कांग्रेस में कलह कोई नई बात नहीं है, कुछ ऐसी ही तस्वीर हम देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, देखिए, कांग्रेस में अंतर कलह कोई नई बात तो नहीं है, पर जिस तरह से यहां पर कांग्रेस ने फैसला लिया
एजाज डेबर को मैदान में नहीं उतारा गया, यहां पर सवाल उठना तो लाजमी है। और खासकर जब एक युवा युवाओं को सपोर्ट करे, उनके बीच में पहुंचे, सक्रियता दिखाए, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर हंगामा तो जाहिर सी बात है। देखिए ऋतु, जब बीजेपी की टिकट जारी हुआ तो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही, टिकट वितरण पर सवाल है वो खड़े करती रही। अब इस तरह से जब समर्थक हैं वो सड़कों पर आए हैं तो बीजेपी भी लगातार हमलावर हुई है और आरोप लगाया है। और अब बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब यही है कि कांग्रेस की टिकट वितरण को लेकर के विपक्ष है लगातार सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का प्रयास है वो कर रही है। ठीक इसके जब हमने महापौर एजाज डेबर से बात की तो उन्होंने बातचीत में कहा है कि इसे विरोध ना कहा जाए, ये जनता का प्यार है, वो चाहते हैं क्योंकि शहर के लिए उन्होंने काम किया है, विकास के काम किए हैं, तो ऐसे में जो शहर की जनता है वो चाहती है, शहर सरकार के लोग चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, क्योंकि दो विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, दक्षिण से तो दक्षिण से महंत रामसुंदर दास का टिकट फाइनल हो गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो आता है कि उनके समर्थन में वो काम करेंगे, लेकिन उत्तर का सीट है वो अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है, तो ऐसे में उनके समर्थक दबाव बना रहे हैं कि उत्तर से एजाज डेबर को टिकट मिल जाए। एजाज डेबर ने दावा किया है कि चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले, लेकिन टिकट मिलने की भी स्थिति में चारों सीटें हैं जो शहर की, वो जीत कर आएंगे, कांग्रेसी जीत करके आएंगे, तो ये कहा जा सकता है कि युगल ये तो एक सीट की बात हो रही है। देखिए अभी सात सीटों का फैसला आना बाकी है और जिस तरह से अभी हम प्रदर्शन देख रहे हैं, मांग देख रहे हैं, तो हम क्या ये माने कि आने वाले दिन में जब ये शेष नाम सामने आएंगे और ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से विधायकों का टिकट काटा गया है, उनके जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है, साथ ही साथ कई ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय पर्चा भरने की बात करें, चाहे कांकेर की बात करें, चाहे कोरिया क्षेत्र में सरगुजा संभाग में इस तरह की खबरें हैं वो आ रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की स्थितियां बनेगी कांग्रेस के लिए। अगर सत्ता में वापसी करना है कांग्रेस को तो इन बागियों को साधना होगा, मनाना होगा, अन्यथा इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। बीजेपी भी टकटकी लगाए देख रही कि आखिर कौन बागी हो रहा है, कौन समर्थन हो रहा है, और सभी जो पार्टियां हैं कांग्रेस के अगर कोई बागी होता है तो उन्हें तरजीह देने के लिए हर जो दल के लोग हैं वो तैयार हैं, तो देखना होगा कि आने वाली रणनीति क्या कहती है, लेकिन बागियों को मनाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी में भी विरोध सामने आए थे, जसपुर से गणेश राम भगत के समर्थन में आए थे, बीजेपी दफ्तर में दो दिनों तक बैठे रहे, डेरा जमाए रहे, मान मनोवल के बाद वापसी हुई, लेकिन इसी तरह के जो सिचुएशन है टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। बागियों को मनाना एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने हाईटेक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बीजेपी प्रदेश में 50,000 रथ सभाएं करेगी और 1 करोड़ से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी की गई है। पार्टी के माने तो रोज हर विधानसभा में 10-10 सभाएं करने की रणनीति बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र जारी किया है, वो पत्र मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता तक हम पहुंचाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वीडियो बैन हर विधानसभा में एक जा रहा है, वहां ठीक से व्यवस्था करके जनता को उपलब्धियां दिखाए और सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर, जनता ही अपनी भगवान है तो उसकी सेवा के आधार पर और विकास के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। भोपाल में बीजेपी ने प्रदेशवासियों को भेजी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी को जारी किया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चिट्ठी को जारी करते हुए कहा कि एमपी के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आई है जो बताती है कि पीएम नरेंद्र मोदी का एमपी की जनता से कितना स्नेह है। उनकी माने तो ये चिट्ठी 64,000 बूथ पर
9.5 करोड़ जनता के बीच पहुंचाई जाएगी। वीडी शर्मा की माने तो पीएम 9 साल में 35 बार एमपी आ चुके हैं और एमपी हमेशा पीएम मोदी के दिल में रहता है। कि चिट्ठी आई है और चिट्ठी आई है देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नेहिल पत्र को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव इस पत्र के माध्यम से 64,523 बूथों पर 5,60,00,000 तो मतदाता हैं ही, लेकिन 9.5 करोड़ जनता तक इस पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को हम पहुंचाने का काम करेंगे ये पत्र। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको मंडला से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और इत्मीनान से सुनते हुए मुख्यमंत्री को नजर आ रहे हैं। हमारे पूरे 40 गांव के किसान के खेत को पानी मिलेगा। तीसरी हमने परियोजना नारायणगंज के लिए 147 करोड़ की परियोजना, 5,000 हेक्टेयर जमीन के किसान के खेत को हम पानी देंगे। और तीसरा हमारे नेवा क्षेत्र के लिए वहां पर 15,000 हेक्टेयर शाम के खेत को हम पानी देंगे और लगभग 5,100 करोड़ की परियोजना। ऐसे 3 महत्वपूर्ण परियोजना सिंचाई परियोजना है। हमारे इस बाजू में यहां पर क्लियर पावर प्लांट, वहां से लोग प्रभावित हुए, पहले वर्गी से प्रभावित हुए और बाद में इस फंड से। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब वो स्थापित होगा तो वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार। ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाएं, बार बार इस बात के लिए हमने आग्रह किया। और मैं आपके कहना चाहता हूं, अभी आज एक बहुत अच्छा विषय आदरणीय शिवराज जी के ध्यान में विषय आया है कि हमारे ये जो चुटका से लगा हुआ है क्षेत्र है टाटी घाट, आज यहां पर बिछिया का एक प्रकरण आया था और मैंने कहा शिवराज जी को कि ये टाटी घाट और बिछिया का ये दो ऐसे परियोजना। ये मंडला से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। चुनाव नजदीक है और लगातार जो है हम इस तरह की सभाएं देख रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते खट्टे मीठे अनुभवों से भरे रहे, लंबे वक्त तक साथ रहे, फिर दोनों के रास्ते जुदा। पर अब खुद नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे बिहार में सियासी बवाल मचना तय है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे और इसी दौरान नीतीश ने भाजपा नेताओं से अपनी दोस्ती की बात की, फिर दोहराते हुए कहा कि जब तक जीवित रहेंगे साथ बीजेपी के साथ दोस्ती बनी रहेगी। खास बात यह रही कि इस मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया और केंद्र के मनमोहन सिंह की सरकार को कोसा। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की खिंचाई बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग पूरी नहीं किए जाने को लेकर की। नीतीश कुमार के इसी बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। तो दोस्ती अटूट की बात की गई है नीतीश कुमार द्वारा। दरअसल एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, इसी दौरान गुणगान करते हुए पीएम मोदी के वो नजर आए और आभार व्यक्त उनके द्वारा किया गया। खुलकर उन्होंने कहा कि धन्यवाद व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सरकार जब थी उस पर भी सवाल उनके द्वारा उठाए गए। आप जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कर सकता हूं। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ही 5 की आंच के बुलेटिन में इतना ही।